الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين محترم معزز भाइयों बुजुर्गों अज़ीज़ दोस्तों, कायनात में जितनी मेहनतें चल रही हैं उसमें सादी सीधी और बड़ी गहरी और उमूमी मेहनत दावत की मेहनत है और ये मेहनत अपने अंदर इस्तेकामत का मुतालबा करती हैं। जिस तरह हम लोग अपनी हयात के लिए खाने का पीने का निज़ाम बनाते हैं, इसी तरह दीन और दीनदारी की बका के लिए मेहनत और दावत की ज़रूरत है। इसीलिए उलमा कहते हैं इस्तेकामत के बग़ैर किसी भी चीज़ का नतीजा नहीं निकलता। लन यशबअ अल मुमिन हत्ता यकून मुंतहा अल जन्ना, ईमान वाला उस वक्त तक सैराब नहीं होता जब तक के वो उसकी इंतहा जन्नत ना हो जाए। हम लोगों के यहाँ बस का कोई मामला है ही नहीं, हम लोग कभी मुतमईन नहीं होंगे, कभी हमारे अंदर कनात पसंदी नहीं आएगी। बस हो गया, बहुत काम कर लिया, बहुत नमाज पढ़ ली, बहुत दावत दे लिए, एक मुंतहा है कुर्बानियों का, उस इंतहा पर पहुंचने के बाद आदमी फारिग हो जाता है, बेनियाज हो जाता है। इस तरह का कोई मामला उस वक्त तक ईमान वाले के साथ नहीं होता जब तक कि ईमान वाला जन्नत तक ना पहुँच जाए। उस वक्त तक ईमान वाले को यही कहा जाएगा इहरिस अला मा यनफउक वला ताजस, जैसे कि आपने फरमाया हिर्स किया करो जो भी चीज़ तुम्हारे लिए नाफे हैं दुनिया और आखिरत में, उस नाफे चीज़ की हिर्स करो, ज़्यादा से ज़्यादा करने का अज़्म मुसम्मम करो, इरादा करो, नीयत करो, और जितना ज़्यादा करोगे इतना ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक आमाल मिलते चले जाएंगे। आदमी बस नहीं करना, रमज़ान की इबादत कर लिए बस हो गया, हज कर लिए बस हो गया, ज़कात दे दिए बस हो गया, पढ़ना पढ़ाने का सिलसिला ख़त्म हो गया बस हो गया, हाफिज़ बन गए बस हो गया। बस हो गया का किस्सा ही हमेशा हम लोगों के यहाँ हिर्स होनी चाहिए। बस वाला जुमला कनात वाली चीज़ का यहाँ कोई जगह ही नहीं है। कब तक? हत्ता यकून मुंतहा अल जन्ना, जन्नत पे पहुँचने तक भी हमारे अंदर वो हिर्स बाकी रहनी चाहिए। जन्नत पे पहुँचने तक क्या मतलब? जब तक कि हमारी मौत ना आ जाए, इसलिए कि मौत के वक्त में आदमी के या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया फ़दखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, हर आदमी के सकरात में उसकी जन्नत की दीदार हो जाती है, हर आदमी के आखिरी वक्त में उसकी जन्नत की दीदार हो जाती है। रब्बी बिनली इंदक बैतन फिल जन्ना वनजनी मिन फिरऔन व अमली, जिस वक्त हज़रत आसिया ने यह दुआ मांगी वफात से पहले पहले अल्लाह ताला ने जन्नत की दीदार कराई और हज़रत आसिया देख कर मुस्कुराई और मुस्कुराने की हालत में उनकी रूह परवाज़ हो गई। हालांकि फिरौन ज़िल औताद था, मेखों से सज़ा देता था, मेख बाकायदा मारे जा रहे थे हज़रत आसिया पर, जैसे कि इब्ने कसीर की रिवायत है, उस हालत में चेहरे पर मुस्कुराहट लोगों को समझ में नहीं आई। तो दीदार जन्नत आदमी को वफात से पहले हो जाती है और वो तो फरिश्ते जिस वक्त आते हैं, फरिश्ते जिस वक्त आते हैं, जन्नत के फरिश्ते तो अलग होते हैं और दोज़ख के फरिश्ते भी अलग, रूह निकालने में इज़राइल इस्लाम की दोनों जमात होती हैं।
तो दो जमातों में जब जन्नत वाली जमात रूह निकालने के लिए आती है, उसी वक्त बंदे को जन्नत की खुशबू, जन्नत के नज़ारे, जन्नत के जो कुछ भी मुबशरात हैं वो नज़र आने लगते हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ये सकरात की हालत की आयत है। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामु, खाली हमारा रब कहकर खामोश नहीं रह जाना, इस्तिकामत के साथ आखिरी दम तक जमना है, आखिरी दम तक लड़ना है, आखिरी दम तक जुड़ना है, आखिरी दम तक करते रहना है। सुम्मा इस्तक़ामु, और उस पर जमना है। हालात चाहे इधर के उधर, जैसे हमारे यहाँ छोटी मोटी हालात में नमाज छोड़ देते, नहीं छोड़ देते, नमाज छोड़ देते हैं, रोज़ा छोड़ देते हैं, जिक्र छोड़ देते हैं, तिलावत छोड़ देते हैं, दीन का काम करना छोड़ देते हैं। क्या जी किस्सा, अरे दीन का ये तमाम कार्य खैर करना छोड़ दोगे और फंसते चले जाओगे। हालात का हल छोड़ना नहीं है और पकड़ना है और मजबूती के साथ जमना है। इसका मतलब ये नहीं कि वो काम छोड़कर ये काम में लग जाओ। इसीलिए इसको तरतीब बताई गई कि तुम्हारे यहाँ पूरा दिन में 2.5 घंटे का निज़ाम बनाओ, बकिया तुम्हारा निज़ाम बनाओ, पूरे महीने में 3 दिन का निज़ाम बनाओ, बकिया तुम्हारा निज़ाम बनाओ, पूरे साल में चिल्ले का निज़ाम बनाओ, बकिया तुम्हारा निज़ाम बनाओ। हमारे यहाँ जुनून की तरह आदमी को बेकाबू काम करने का नहीं है, काबू के साथ। जैसे नमाज की तरतीब अल्लाह खुद कह रहा है, खुल वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, 24 घंटे मस्जिद में छिड़ती हैं क्या? अरे 24 घंटे मस्जिद में ही रहते हैं, अजान होती है तो नमाज का निज़ाम हमें ये बता रहा है, ज़िंदगी गुजारने का निज़ाम क्या है, दीन का काम करने का निज़ाम क्या है, तालीम व ताल्लुम का निज़ाम क्या है, पढ़ने पढ़ाने का निज़ाम क्या है, सीखने सिखाने का निज़ाम क्या है, ये सब नमाज की तरतीब हमें बताती है। फजर को अजान दी गई, फजर को आओ, नमाज पढ़ लिए, अब क्या करें? वहीदा खुदियती सलाह, नमाज ख़त्म हो गई, फ़न तशरू फिल, अब चले जाओ बस, अब तगो मिन फजली लाख, अपने अपने काम में लगो। जो फजल अल्लाह ने तुम्हारे हक़ में तय कर रखा है उस फजल के तलाश में निकल जाओ। जी मस्जिद में ही रह जाएंगे, बयान सुना हमने, खुतबा सुना हमने, यहीं रह जाते हैं असर तक, यहीं रह जाते हैं मगरिब तक, क्या भी ज़रूरत नहीं, निकलो बाहर। अल्लाह खुद कह रहा है, यहीं ठिकाना मारने को नहीं कहता। इसीलिए एतकाफ अल्लाह के रसूल ने पूरे साल में सिर्फ 10 दिन क्या करते थे, पूरा रमज़ान मुबारक एक मरतबा आपने किया, 10 दिन क्या करते, एतकाफ के 10 ही दिन हैं, पूरी ज़िंदगी एतकाफ ज़रूरत नहीं। तो हमारा काम होश के साथ, जोश को कोई दखल होने नहीं देता, होश के साथ काम करते रहो, जोश को यहाँ कोई दखल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने काम दिया, ये काम के ज़रिए से हम अपने दुनिया का काम भी बनाना, आखिरत का काम भी बनाना करेंगे भी इंशाल्लाह। तो इसके लिए अपना वक्त पाबंदी से लगाते रहना, पाबंदी से खुद अपना अपना जायज़ा ले लेना। तो हमेशा तश्कील के वक्त में मुंडी नीचे चली आती, सो रुकू सजदा करने के वास्ते तश्कील नहीं करते, तश्कील करते सो सजदा, अल्लाह अकबर क्या वो, क्यों भाई? अल्लाह अकबर में रुकू है, अल्लाह अकबर सजदा है, तो तश्कील की जू ही बकौल मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के, अरे भाई तश्कील ये आकर हर एक इंसान के तरगीब के लिए है, तश्वीक के लिए है, और तश्कील तस्तीब है, ये एक आले आजमाइश, आले तहकीक, किसके अंदर कितना तवक्कुल है वो आला डालकर देखा जाता है। जिस तरीके से हम लोग बुखार के लिए भाई मुँह में रखते हैं और फिर उसमें बता देता है कि कितना बुखार है, कितनी गर्मी है, अरे हर इंसान के पता चलता नहीं पता चलता, तश्कील रखते मालूम हो जाता कितना अल्लाह पर भरोसा, कितने असबाब पर भरोसा, कितना मुसब्बिबुल असबाब पर भरोसा, और कितने दिन की तश्कील की जाती है, हमेशा की थोड़ी की जाती है। वे हमारी तरतीब के साथ तश्कील होती है, बेतरतीब तश्कील नहीं होती। एक आदमी 4 महीने लगाकर आया, फिर 4 महीने लगाता हूँ कह रहा है नहीं ये तरतीब नहीं, घर को जाओ। अरे भाई कहते नहीं कहते हैं, या 4 महीने उन्हें लगा तो बल्दी भेज देते हैं। तफक्कुद के साथ तश्कील होती है, बगैर तफक्कुद के तश्कील नहीं होती। तो हमारे यहाँ मैं पूरी ज़िंदगी काम करता हूँ, फिर दूसरा काम कौन करेगा भाई? पूरी ज़िंदगी तो यहाँ रह जाएगा तो दूसरा काम करेगा कौन?
तो नमाज ख़ुद अल्लाह इबादत के लिए पैदा किया और अल्लाह का निज़ाम ख़ुद बता रहा है, तिजारत भी इबादत है, मेहनत भी इबादत है, जफाकशी भी इबादत है, कस्बे हलाल के लिए आदमी का चलना फिरना भी इबादत है। यही वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो इसके लिए हम लोग इस वक्त नियत करें, इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना गुजर गया, रमज़ान में भी मैंने साथियों से ये कहा है कि देखो हमेशा इस बात का ख्याल रखो कि रमज़ान चला गया तो क्या निज़ाम ज़िंदगी बता कर गया। क्या बता कर गया भाई? निज़ाम ज़िंदगी। तो निज़ाम ज़िंदगी जब रमज़ान हमें बता कर सिखा कर गया है तो उसी निज़ाम के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करना है, उसी निज़ाम के मुताबिक। तो हम लोग अपना निज़ाम बनाएं, अपना निज़ाम बनाए, ताबेदारी का निज़ाम। मैं हमेशा साथियों से कहा करता हूँ, भाई अलिफ बा ता पढ़ लिए, हाँ पढ़ लिए, फिर आगे का सबक कौन लेगा? आगे का सबक कौन लेगा? ज़िंदगी भर अलिफ बा ता ही में रहोगे या आगे का भी सबक लोगे? तो आगे का सबक क्या? अपनी ज़िंदगी को दाई बनाना, अपनी ज़िंदगी को आइडियल बनाना, अपनी ज़िंदगी को नमूना बनाना। उसके लिए तरतीब 3 दिन से शुरू करते हैं और 3 दिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लगाने के आदि बन गए, 3-4 महीने 3 दिन लगाए। अब हर नए साथी को चिल्ले में नहीं, कम से कम 3 दिन में उसे उनसियत अगर पैदा हो जाए फिर चिल्ले में ले जाओ। चिल्ला में माशाल्लाह उनसियत पैदा होगी दावत से, 4 महीने ले जाओ। जिन साथियों को 3 दिन लगाए बगैर, चिल्ला लगाए बगैर 4 महीने में ले जाते हैं, वही बीच बीच में भाग कर आ जाते हैं, वही साथी भाग कर आते हैं। अक्सर और बेशतर ये देखा गया है नए साथी को जब 4 महीने ले जाते हैं वो क्या करते हैं, या तो काम ढंग से करते नहीं या ढंग से अपना वक्त गुजारते नहीं। तो इसके लिए तरतीब बनाएंगे इंशाल्लाह। तो करीब में हमारी तश्कील की तारीख क्या तय हुई? मई 22 को चिल्ले की जमात है। हाँ भाई बताओ, मई 22 के लिए बताइए कौन कौन साथी इंशाल्लाह चिल्ले की जमात में खुद निकलेंगे और अपने घर से किसको निकालेंगे? जी बताइए, बोलो भी, शुरू करो बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नसरुल्लाह साहब, जी बताइए।